हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। अमित शाह साहब की तो उन्होंने अभी चाइना को एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। पहली बार अमेरिका का महाविनाशक B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भारत के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीं पर आने वाला है। देखिए जी, ये तो अब पूरा सिक्योरिटी का जो है ये शुरू हो रहा है। तीसरी बात, अरुणाचल में दुनिया का सबसे इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे। हम सऊदी अरेबिया से दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं? हम सऊदी अरेबिया के अंधिये के बाद भी हम यूएई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जिसमें वो इंडिया की बहुत तारीफ करते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को वो अभी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। 15 किलोमीटर दूर है LAC से, करीब वहां से जाके कहते हैं इंडिया अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा सीधा चाइना को था। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चीनी सीमा पर उसे खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश शांतिपूर्ण ढंग से सो सकता है क्योंकि सेना के जवान दिन रात सीमा पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गर्व से ये बात कह सकते हैं कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर बुरी नजर डाल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के किबूथू में बोल रहे थे। गौरतलब है कि चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो जमाने चले गए जब भारत की धरती पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। उन्होंने कहा कि आज सुई की नोक के बराबर जमीन पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आज भारतीय सेना और ITBP मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर नहीं दे सकता। बात अगर करें अमित शाह साहब की तो उन्होंने अभी चाइना को आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही है। लेकिन सर साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, एक दो दिन दो तीन दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है, एक आपके यहाँ हमारे कहावत है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये जो चाइना है खिसियानी बिल्ली हो चुकी है, खम्बा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊँ क्यों आपको, देखिए अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा लूँ तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दो तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा? अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में आज से हजारों साल पहले ये इंडिया का पार्ट था और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में दुनिया का सबसे इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई, ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में BJP जीता है, जबकि इट इज़ नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में BJP जीत रहा है एंड इट इज़ क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म बंद कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो LAC का, हम इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं और
बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए, हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे, उससे क्या होगा, अरुणाचल भी पावर सरप्लस, अरुणाचल ही नहीं नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया, और आपने हमने बात की थी वहाँ से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो कलकत्ता, वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लगता है, अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं, तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे, IIT खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हुई है मोदी जी के अंडर, वो जो एलिनेशन था, एक टाइम था कि नॉर्थ ईस्ट एलिनेटेड है, कुछ अलग सी है, और मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, हमारे एक बहुत भद्दा सा वर्ड इन नॉर्थ ईस्ट के लोग के लिए यूज़ किया जाता था, विच आई डोंट इवन वॉन्ट टू रिपीट, कि कुछ लोगों ने चलाया था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का, आपने भी G20 का आपने वो देखा होगा, एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना, उसकी जो DJ है वो नॉर्थ ईस्ट और हिंदी में गाना गा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुँचाई, ये काम किए मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा, और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द एलिस, और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर 455 विलेज आ रहे हैं अरुणाचल, इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है, ताकि ये कल को ये जो विलेजेस है ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं, दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेज एंड दे कैन बी ऑल्सो फॉर मिलिट्री यूजेज, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है, तो वी हैव ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अमित शाह जी विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर, और जो भूटान का ट्रांजेक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट अब बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है LAC वहाँ से, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया, 75 साल तक क्या सो रहे थे, और किसका नाम दिया, दो रिवर का जो है नहीं, किसी डाले का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दें। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है, देखिए मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे, उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया।